अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में थर्ड आई हूँ। वाह, मुझे पता था कि तू जरूर मेरिट में आएगी। काश आज तेरी खुशी के वक्त मम्मी पापा हमारे साथ होते तो पापा तो तेरी मनपसंद केसर बर्फी लाने चले भी जाते। भाभी, आपको पता है रिजल्ट के बारे में जानते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मम्मी पापा सामने ही खड़े हो, मुस्कुरा रहे हो और मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। आज मैं बहुत 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 खुश। इसका मतलब ये पढ़ी लिखी है? इतना बड़ा झूठ, और जेठानी जी के भाई ने भी हमसे झूठ बोला कि ये सारी बात है। सच्चाई की देवी बनने वाली हमारी जेठानी जी इतने समय से हमसे ही झूठ बोल रही थी। वाह जेठानी जी वाह, मारे पर कीचड़ फेंकने वाली खुद गर्दन तक तलतल में फंसी है। मारे को नीचा दिखाया था ना, सारे घर वालों के सामने मारी इज्जत उतारी थी ना, ये मारे को कह के गए आज घर में आना है तो जिठानी जी के पांव पकड़ ले। अब भाबो देखेंगी, आप भी देखेंगी और दुनिया देखेगी कि कौन किसके पैरों में लोटे हैं। भाभी, बहुत दिन झूठ का बोझ उठा लिया, अब और नहीं। मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने सारे सच बाबू इन्हें और बाकी सभी घरवालों को बता दूंगी। मैं किसी को अब और धोखे में नहीं रखना चाहती भाभी। संध्या, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे लिए झूठ बोलना बहुत मुश्किल है, पर सच बोलने के बाद जो होगा उसका अंदाजा है ना तुम्हें? जानती हूँ भाभी, शायद बहुत सुनना पड़े सबसे। हो सकता है परिवार की नजरों में गिर भी जाऊं मैं, पर ये मैं सह लूंगी भाभी, क्योंकि पापा ने मुझे यही सिखाया था कि दूसरों की नजरों में गिरने से बहुत बुरा है अपनी खुद की नजरों में गिरना। और जो मैं हर दिन हर रोज गिरती हूँ, जब किसी ना किसी रूप में झूठ निभाना पड़ता है मुझे। धोखा सिर्फ मैं इस परिवार के लोगों को नहीं दे रही हूँ भाभी, पापा मम्मी को भी दे रही हूँ, उनकी दी हुई शिक्षा को ना मानकर। अब और नहीं भाभी, अब और नहीं। ठीक है संध्या, मैं यही प्रार्थना करूंगी कि भाबो तुम्हें और तुम्हारे साथ हमें भी माफ कर दे। आई होप ऐसा ही हो भाभी, ऐसा ही हो। हे मारा राम जी, देख चतुरी कैसे अलमारी में चाबी लटका रखी, कोई आए या कोई जाए परवाह को नहीं, क्योंकि छिपाने के लिए उसके पास कुछ ना है। रे मारी छोटी बिंदी, मरो रे, वो तो 2 रुपया की बिंदी भी ताले में चढ़कर रखा करती। वाक्य वे है ना कि चोर ने तो दिखे है कि साधु भी मंदिर से चप्पल चुरा कर आया होगा। पता है आपको, संध्या भाभी के मन में बहुत अपनापन और विश्वास है हमारे लिए। हाँ, सारे कपड़े बिखरे पड़े भाबो, लेकिन इसमें संध्या भाभी की क्या गलती है? देखे ना, सारा दिन काम करती रहती है, अकेली जान कहाँ से टेम निकालेगी, ऊपर से सूरज सा के साथ बाहर का भी तो काम निपटाना होता है ना। ले, ये तो गजब हो गया बाबू। हाथ को थप्पड़ मार के जगाओ मुझे, बाबू बिंदी की सेवा कर रही है। जाने हैं, जब मैं ब्याह करके इस घर में आई थी तुम्हारी अलमारी भी ऐसी बिखरी पड़ी रहती थी,
फिर मारी सासू माने चौके में देख मारे पीछे से आकर मारी सारी अलमारी के कपड़े ठीक कर जाया करती। जद में चौका निपटाकर ऊपर आती तो सोचती कि ही मारा राम जी, मारे पीछे से मारे कमरे में कोई भूत प्रेत तो ना आवे है और मारा कपड़ा समेट कर जावे है। फिर मने पत्तो चालियो कि कोई भूत प्रेत ना है, ये तुम्हारी सासू माई है। तब तो भावो भाभी भी जमी जमाई अलमारी देख के ऐसा ही सोचेंगी, है ना? अरे ये क्या पड़े हुए? ये तो बेनी की तस्वीर है, ये तमगा किस बात का ले रही है?